देबुका, लाइल बानी से नुरा लगावे देबुका। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ शिवानी सिंह और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कहाँ पे हैं, कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? आज मैं लखनऊ में हूँ और इश्क सिकंदर की शूटिंग चल रही है। कैसे चल रही है शूटिंग? शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। तो इश्क का सिकंदर फिल्म के बारे में क्या बताना चाहें और सिकंदर जो इश्क में डूबा हुआ है क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म बहुत अच्छी है, ज़्यादा स्टोरी मैं बताऊँगी नहीं वरना ऑडियंस को फिर यही सारा सुन लेंगे तो क्या देखेंगे। तो जब ये फिल्म रिलीज हो तो आप लोग सब जाके देखें। और इस फिल्म के डायरेक्टर सर जो हैं हेमराज वर्मा, वही प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के और डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म है। बस मैं कुछ बताऊंगी नहीं फिल्म के बारे में, बस आप लोग देखिएगा जाके। अपने किरदार के बारे में बता दीजिए, क्या रोल प्ले कर रहे हैं पूरी फिल्म में, आप क्या क्या धमाल मस्ती करने वाली हैं? पूरी मैं इस फिल्म में लीड कर रही हूँ एज ए हीरोइन और मेरा करेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, मतलब क्या ही बताऊं, बड़ा खतरनाक कैरेक्टर है। ये अपने लाइफ में कितना अमल करने वाली इस बात को? ये सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए लड़कियों को, जहाँ घर वाले बता दें बस उसी रास्ते पर चलना चाहिए, वहीं शादी करनी चाहिए। आप भी घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे? जी मैं अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करूँगी, जहाँ घर वाले बोलेंगे वहीं शादी करूँगी मैं। अगर किसी से प्यार हो गया तो? नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं घर वालों की मर्जी से ही शादी करूँगी, प्यार व्यार नहीं करूंगी। इस फिल्म में कितना प्यार आपको पूरे सेट से मिल रहा है? इस फिल्म में बहुत प्यार मिल रहा है, सभी लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं हेमराज वर्मा, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे हैं वो और सभी लोग, हम लोग एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है मैं यहाँ पे हीरोइन हूँ और सबके साथ घुल मिल के बहुत अच्छे से काम निकल रहा है, बहुत मजा आ रहा है काम करके। आपके जो हीरो हैं उनके साथ कैसे केमिस्ट्री है? उनके साथ तो बहुत अच्छी है, हम लोग फ्रैंक हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग हीरो हीरोइन हैं, एकदम फ्रैंक हैं दोनों लोग। तो हीरो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कैसे केमिस्ट्री रहती है आपकी और आपके हीरो की? उस जब फिल्म में हम लोग रहते हैं तो हम दोनों का सैड मोमेंट चलता रहता है, वो सैड हैं मैं भी सैड हूँ क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, शादी ज़बरदस्ती कर दी गई है। इसके बाद फिल्म में तो सैड, इसके बाद हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं और वो बहुत हंसाते हैं इस बात को कि मेरी तो पूरी पिक्चर रो रो के ही गुजर रही है, ऐसे रो रो के ही गुजर रही है पूरी पिक्चर मेरी। इसके बाद हम लोग शूटिंग के बाद बड़ी बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। आप हंसाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं या रुलाने में? हंसाने में, मैं सबको हंसाती रहती हूँ और खुद भी हंसती रहती हूँ जी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म को लेकर यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हम लोग को, मुझे भी, हम लोग बहुत मेहनत करके ये फिल्म बना रहे हैं, तो आप लोग इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार दें और हमारे जितने भी कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं उन सभी लोग को प्यार दें और पीछे से मुझे भी थोड़ा बहुत प्यार दें। मैडम बात करें जो है आने वाले प्रोजेक्ट की, तो कौन कौन फिल्में आप दर्शकों के लिए? आने वाली काफ़ी फिल्में हैं मेरी, हिंदी फिल्म है दो और इसके बाद भोजपुरी भी है आने वाला मेरा, और बस और एक दो फिल्में रिलीज में हैं, रिलीज होने वाली हैं बहुत जल्दी। कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? एक मेरी सूरवीर आने वाली है जो कि चिंटू पांडे जी के साथ मैंने काम किया था उस फिल्म में, वो आने वाली है। और एक फिल्म हुड़दंग है मेरी, उसमें भी मैं लीड कर रही थी, वो आने वाली है फिल्म, उसकी शूटिंग हो गई है, कंप्लीट है, गाने बचे हैं कुछ बहुत, जैसे वो शूट हो जाएंगे तो वो फिल्म तुरंत रिलीज हो जाएगी। और काफ़ी सारे मेरे एल्बम्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं लगातार और आने वाले हैं बहुत सारे एल्बम। एक्चुअली मैंने पहले स्टार्टिंग में काम किया पवन जी के साथ, पवन सिंह के साथ मैंने एल्बम किया, प्रमोद प्रेमी के साथ एल्बम किया, मोनू अलबेला के साथ एल्बम किया, काफ़ी सिंगरों के साथ मैंने एल्बम किया। अब मैं फिल्म कर रही हूँ तो अब मैं एल्बम कम कर दी हूँ, तो अब मेरा एल्बम में ज़्यादा वो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हिंदी फिल्में भी मेरी आने वाली हैं, तो कम कर दिया एल्बम करना मैंने। तो
पवन जी के साथ कौन सा एल्बम किया था? पवन जी के साथ पहला एल्बम हुआ था मेरा, पहला इंडस्ट्री में जब मैं आई थी, देवी गीत हुआ था नवरात्रि का, माई के गहना गढ़ौनी। उनके साथ हुआ था बेवफाई के अवार्ड लेके जा। तो ये बेवफाई आप इस फिल्म में भी करना शुरू कर दें। एक्चुअली मैं, मेरा रोल क्या होता है, मैं जितनी भी फिल्में की हूँ, जितने भी एल्बम्स किए हैं, तो मुझे बेवफा का ही रोल मिलता है। मैं हर फिल्म में और हर उसमें बेवफाई ही करती हूँ। मेरे आप कोई भी एल्बम उठा के देख लेंगे, मोनू जी के साथ, इसके बाद ये प्रमोद प्रेमी के साथ, कोई भी एल्बम उठा के देख लेंगे, सब में मैं हीरो के साथ बेवफाई ही करती हूँ। जबकि रियल में मैं ऐसी नहीं हूँ, रियल में बहुत लॉयल हूँ, लेकिन इधर मेरा मतलब जो करेक्टर मिलता है बेवफाई का ही मिलता है। जो आपने लाइफ में नहीं किया वो फिल्मों में करना है। जी, वो फिल्मों में मैं करना पड़ रहा है मुझे। और जो एक फिल्म कर रही थी उसमें मुझे विलन का कैरेक्टर मिला था, उसमें मुझे नशा सा करना होता है बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे नशे से बिल्कुल नफरत है, मैं नशा बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, तो मुझे उसमें नशा करना पड़ता था, ड्रिंक सिगरेट ऐसा। तो ऐसे ही मुझे रोल मिलते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ये मुझे मेरे साथ होता है, जो कि बेवफाई और नशे के दो रोल मुझे मिलते हैं। आगे कैसा रोल आप करना पसंद करेंगे? आगे मैं एक रोल ऐसा पसंद करना चाहूँगी कि मैं एक साधारण बहू हूँ और मेरी शादी हो गई, मैं अपने पति से ही प्यार करती हूँ और किसी से नहीं, एक साधारण कैरेक्टर मैं पसंद करना, लेकिन वो साधारण मुझे नहीं मिलता है। किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आवाज सुनी तो शायद जरूर आपकी जी बिल्कुल मुझे, हाँ मुझे साधारण रोल दें अगर कोई हो तो। और सोशल मीडिया में कितना एक्टिव है? मैं रहती हूँ इंस्टाग्राम में, मेरी न्यू आईडी है अभी शिवानी सिंह 599, तो रहती हूँ मैं, अभी स्टार्ट की हूँ, रहती हूँ उसमें ज़्यादा। तो किन के गानों पे ज़्यादा आप रील बनाती हैं? रील्स तो मैं सभी के गानों पे बनाती हूँ, जैसे पवन जी हो गए, उनका कोई अच्छा लग गया तो उनके गाने में बना दी, खेसारी लाल जी हो गए, उनका अच्छा लग गया उनके पे बना दी, सारे सिंगरों के गाने पे मैं बनाती हूँ जो अच्छा लगता है। इसके बाद जो है मैं हिंदी गाने पे बनाती हूँ रील्स। उनके मैं गाने ज़्यादातर उनके मैं मतलब सैड सॉन्ग पे बनाती हूँ, या तो देवी का कोई हुआ तो बनाती हूँ जी। पवन जी के सैड सॉन्ग आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, उनके तो सारे सॉन्ग ही मुझे अच्छे लगते हैं, सब बहुत अच्छा गाते हैं वो, सारे सॉन्ग उनके अच्छे लगते हैं। और खेसारी लाल के भी अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छा गाते हैं, उनके गाने पे भी मैं बनाती हूँ। एक नया गाना आया था उस पर मैंने एक रील्स बनाई थी, सिनूरा लगावे देबू का, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जनता का बहुत लाइक, मतलब 2-3-4 लाख क्रॉस कर गया लाइक, मतलब बहुत अच्छा जा रहा है उसका लाइक्स, बहुत अच्छा मिल रहा है उनके गाने पे मैंने बनाया तो। मैडम आप जो खेसारी जी के गाने पे रील्स बनाई थी, दो लाइन गाना सुनाना चाहेंगे? कौन सा गाना था? जी बिल्कुल, एगो बात बताई ता बतावे देबू का, लाइल बानी सिनुरा लगावे देबू का, सिनुरा लगावल मजाक हवे का, पागल के ताहर दिमाग हवे का। तो अगर कोई भी गलती हुई हो इस गाने पे तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे भोजपुरी बिल्कुल नहीं आती, मैं काम कर रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के बोलती हूँ, भोजपुरी मुझे नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, तो इसलिए मैंने सुना दिया। अगर आप लोग हिंदी कहेंगे तो मैं हिंदी अच्छा गा लूँगी, हिंदी सुना दो। मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, तुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहेंगे प्यार, लेकिन नहीं होगा कम, जाते हुए लम्हो जरा ठहरो हम भी चलते हैं, जरा उनसे मिलते हैं बस। थैंक यू सो मच। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं इस फिल्म को लेकर ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे जो डायरेक्टर हैं हेमराज वर्मा सर, वो बहुत अच्छे से काम करवा रहे हैं, और जो मेरा कैरेक्टर है बहुत अच्छा है, हीरो का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, पवन जी वर्मा उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत मेहनत से फिल्म बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मान लीजिए डायरेक्टर का ही वही प्रोड्यूसर हैं और वही डायरेक्टर हैं, तो उनका भी बहुत
वो है, तो उनको भी आप लोग सपोर्ट करें, हमारी फिल्म को ही सपोर्ट करें। हम लोग बहुत मेहनत करके फिल्म बना रहे हैं। और अपने लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? अपने लिए जो दर्शकों को सही लगे वो प्यार मुझे दें, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी बस।